देखिए भाई, हम लोग एक एक रुपया जुड़ा जुड़ा के बच्ची की शादी के वास्ते जमा करें। अब हमारी उतनी इस्तेदाद तो नहीं है दे सके ऐसा आपको। अब क्या करेंगे बोले आप इच? अरे आप ऐसा गलत समझ रहे हैं, आप अपनी बच्ची को दे रहे हैं। अब हम हमारे बच्चे को इतना मोहब्बत से पढ़ाए लिखाए, बच्चे के पास डेबिट कार्ड, तुम लोन भरे थे पिछले साल का? हाँ, सोब है बच्चे के पास, इतना सोब करे सो है, कभी अमेरिका के अलावा हवा नहीं खाया बच्चा हमारा। हम भी मोहब्बत से देते रहे ना हमारे बच्चे को शादी के लिए। कैसी बात कर रहे साहब ये लोग? पहले तो दहेज के बारे में बोले नहीं, बच्ची हमारी हमारी बोल के एक एक चीज मांगते जा रहे हैं। साहब मुश्किल है साहब ये इतना चीज देना। आप इतना अच्छा उस्मानिया बिस्किट भी ऑफर करें हैदराबाद का, लेकिन क्या है ना, आगे जाके फिर हमारे को फ्रूट बिस्किट भी खाना है, क्रीम बिस्किट भी खाना है। अभी क्या है, दिन में बहुत वक्त बाकी है अभी। तो आप देखिए, आप आराम से सोचिए, आपकी बच्ची का, हमारी बेटी का मसला है ये। हाँ चलो, तो फिर चलते हम जरा। चलिए चलो बेटा। हाँ ठहरा बैठो, बार बार आपसे कह रहा हूं कि एक नेक बीवी सबसे बड़ी नेमत रहती है। तुम्हारे घर में बहनें हैं, अल्लाह ने मुझे भी बेटियां दी हैं। मैं 2 दिन पहले की बात तुमसे कर रहा हूं, मेरे साथ दारू सलाम में मेरा एक जानने वाला दोस्त आया, कहा कि असद तुमसे बात करना है। मैं अंदर लेकर गया तो मेरे सामने रोना शुरू कर दिया और कहा कि मैं पूछा क्या बात है भाई बता, तू मेरा पुराना दोस्त है। बोला कि मेरे भाई मेरे बच्चियां बड़े हो रहे, मेरे को अल्लाह ने 5 बेटियां दी हैं, मेरे घर में 3 बहना हैं, जो भी रिश्ता तय करने जा रहा हूं बोल रहे कि जोड़े के 3 लाख रुपए, 2 तोले सोना, 1 500 लोगों का खाना बिरयानी होना, उसमें क्या करूं भाई? मैं लोगों के सामने जाके भीख भी नहीं मांग सकता, मैं अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकता, मैं क्या करूं? लास्ट एंड फाइनल बैठी अभी खत्म नहीं हुआ। जहेज मत लो नौजवानों, तुम्हारी बहनों की, हमारे बहनों की शादियां हो जाएंगी। तुम इस्लाम इस्लाम से मोहब्बत करते ना, तो क्या जहेज लेना गैर इस्लामी नहीं है? बताओ, सुन्नत से साबित करो मुझे कि जहेज लेना सुन्नत में शामिल है। नहीं है शामिल, बल्कि उलमाए इकराम ने कहा कि अगर ये जहेज ये जोड़े की तुम अगर बात करते तो रुश्वत है, रुश्वत है। अगर तुमको जान देना है ना तो कम से कम जान मत दो, कहो कि मैं अपनी शादी में खाना का मुतालबा नहीं करूंगा, सिर्फ शादी करूंगा, बिस्किट खिलाऊंगा। खिलाओ उस्मानिया बिस्किट। आओ ये बुराई का हम खात्मा करते हैं। है हिम्मत तुम में? है तुम में हिम्मत के तुम जहेज का खात्मा करोगे? अगर है हिम्मत तो आज इरादा करो अल्लाह का नाम लेकर कि दोबारा कोई ऐसा भाई नहीं आएगा रोते हुए दारू सलाम का कहीं पर। तुम नहीं जानते कि कितने घरों में परेशानी है, कितने लोग परेशान हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है तो जाओ पढ़ो शहजादी जन्नत का निकाह कैसा हुआ देखो। अहले बैत से अगर मोहब्बत है तो देखो जिंदगी कैसे गुजारी थी। नौजवानों आज तुमको मैं दावत दे रहा हूं, तुमको मैं तरगीब दे रहा हूं, तुमसे भीख मांग रहा हूं, तुमसे डिमांड कर रहा हूं, तुमसे अपील कर रहा हूं कि खत्म करो इन बुराइयों। मैं तुमसे कह रहा हूं तुम जिंदा रहो, एक गयूर मुसलमान बन के जिंदा रहो। तुम फखर के साथ कहो कि हाँ हिंदुस्तान मेरा मुल्क है, मैं यहां पर अव्वल दर्जे का शहरी हूं। मैं तुमसे कह रहा हूं कि यहां पर सीना तान के जिंदगी आप और हम गुजारते आए हैं और इंशाल्लाह गुजारेंगे। हम जान नहीं देंगे, हम जान बचाएंगे, हम मुल्क को बचाएंगे, अपनी बहनों को बचाएंगे। देखिए साहब, हमारे दिल तो साफ थे, हम
हूँ यार, बच्चा ख्वाहिश करा था कि हैदराबाद की लड़की से करेंगे क्योंकि यहाँ पे कल्चर है, अपना अपनापन रहता, तो मैं बोला चलो बराबर देखेंगे। लेकिन क्या करना, हमारे अपने लोग इतना कान भरे कि वहाँ गए तो दुल्हन वाले बच्ची वाले का मतलब ही उन्होंने हर चीज हर ख्वाहिश पूरी करना आपके बच्चे को, उन्होंने एक ही बात बोलते रहे मेरे को, आप इतना पढ़ाए लिखाए पढ़ाए लिखाए बच्चे को, तो बच्ची वाले क्या कर रहे वैसे उठा के दे देते। बार बार अपनी दिल की भी सुनना बेटे, लोगों के बातों में नहीं आना। इस्लाम में तो मेहर की बात कही गई, मेहर की तो बात एक कोने में हो गई, दहेज की बात करने लग गए लोग आज। माशाल्लाह से असद साहब जो बात बोले दिल में अपने तो उतर गई, बस आप लोग भी ये बात को अगर अपना समझ के चले तो कितना खुशहाल हो जाएंगे हैदराबाद, कितने लोग खुशहाल हो जाएंगे। बराबर साहब, रिश्ता पक्का समझिए आप, माशाल्लाह से आओ बेटे गले मिलेंगे, चलिए।